नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के संबंध में उपायों की। चंद्र पर्वत हाथ के इस हिस्से में पाया जाता है, ये चंद्र पर्वत है यहाँ पर। और ये चंद्र पर्वत यदि आपका दबा हुआ है, आपका चंद्र पर्वत संकरा है, काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव चंद्रमा का मानसिक स्थिति पर होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चंद्रमा के आप कारोबार में हैं नहीं हैं उसका विषय नहीं है, चंद्रमा मन का कारक होता है। और यदि आपका चंद्र पर्वत बहुत कमज़ोर है, दबा हुआ है, अशुभ चिन्हों से युक्त है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी बड़ी समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी। एक सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाएगी कि आपको अपना स्वभाव संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हम यहाँ देखने में आती है कि यदि आपका चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कल्पनाशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं, इससे बेचैनी घबराहट होने लगती है और मानसिक अस्वस्थता के साथ साथ अब अधिक चिंतक बुद्धि के भी हो जाते हैं। तो जब आपका चंद्रमा अशुभ हो तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपका चंद्रमा कमज़ोर हो तो सोमेश्वर यानी कि शिव को, भगवान शिव को चंद्रमा का ईश्वर माना जाता है। शास्त्रों में इसको इंगित करते हुए बहुत सी कहानियाँ पुराणों में आई हैं जो ये संकेत दे रही हैं कि चंद्रमा यदि आपका अशुभ है तो शिव उपासना करनी चाहिए। और व्यवहार में हम क्या देखते हैं, वो सभी लोग जिनका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है स्वभाव से ही शिव पूजा कर रहे हैं, और वो लोग जिनका चंद्रमा अशुभ स्थिति में है यदि शिव पूजा लगातार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, ज्योतिर्स्वरूप ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उनकी चंद्रमा की अशुभ स्थितियां काफ़ी हद तक प्रभाव घटते हैं और शुभ स्थिति या शुभ प्रभाव देखने में आने लगते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि चंद्रमा जो है वो यदि आपके हाथ में अशुभ है, अशुभ चिन्हों से युक्त है, तो आपको शिव उपासना विशेष रूप से लाभ देगी। दूसरी स्थिति में चंद्रमा माता का कारक होता है। यदि आपके हाथ में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो आपको माता को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो खैर किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनका चंद्रमा अशुभ है उन्हें तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि आपकी माता आपसे प्रसन्न रहती है तो चंद्रमा का बुरा प्रभाव आप पर कम होगा। माता की सेवा, माता की जितनी आप एक तरह से सेवा करेंगे उतना ही चंद्रमा का बुरा प्रभाव घटना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। यदि आपकी माता है और आप कई भाई हैं और माता किसी अन्य के साथ रहती है, तो निश्चित रूप से यदि चंद्रमा के बुरे प्रभाव से आप गुजर रहे हैं तो आपको माता को अपने साथ रखना चाहिए। उनकी सेवा जितना आप करेंगे उनकी सेवा उतना ही आपको चंद्रमा के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। और चंद्रमा जो है वो कारक है, चंद्रमा की कारक वस्तु चांदी है, सफ़ेद मोती है, सफ़ेद रंग है, ये सब चंद्रमा का कारक है। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, बुरी स्थिति में नहीं है, उस पर अशुभ चिन्ह नहीं है और केवल सामान्य स्थिति में चंद्रमा है, उस पर भले ही शुभ चिन्ह ना हो लेकिन वो आपका दबा हुआ है और अशुभ चिन्हों से हीन है, वो बिल्कुल सही स्थान पर है, तो ऐसी स्थिति में आपको मोती धारण करना लाभ देगा। आप सफ़ेद मोती धारण कर सकते हैं और आप चांदी बहुत पहन सकते हैं। चांदी पहनने से चंद्रमा का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो ऐसे लोगों को बिना जोड़ का चांदी का कड़ा यानी कंप्लीट चांदी से बना हुआ रिंग, ऐसे में चांदी पिघलाकर बनते हैं, मोस्टली जब कड़ा बनाते हैं तो एक तार को मोड़कर उससे एक जोड़ लगा देते हैं, लेकिन बिना जोड़ का जो चांदी कड़ा होता है वो बिल्कुल पिघलाकर चांदी बनाया जाता है। इसे विद्वानों ने बहुत ही अच्छा माना है चंद्रमा के लिए। तो ये पिघलाकर एक बिना जोड़ का यदि आप चांदी कड़ा बना देते हैं तो उसमें चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है और उससे आपका चंद्रमा का जो प्रभाव है विशेष रूप से बढ़ने लगता है। तो बिना जोड़ का आप चांदी कड़ा पहन सकते हैं। सफ़ेद रंग आप बहुत अधिक धारण कर सकते हैं। यदि आप सफ़ेद रंग बहुत अधिक पहनते हैं तो आपका चंद्रमा निश्चित रूप से मजबूत हो जाता है। तो ये भी एक विशेष फल आपके लिए हो जाता है चंद्रमा का, यदि आप सफ़ेद रंग बहुत पहनते हैं, चांदी बहुत पहनते हैं और सफ़ेद वस्तुओं को बहुत धारण करते हैं। ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है उनकी कल्पनाशीलता अच्छी रहती है। चंद्रमा जहाँ काव्य लेखन
को सुधारता है, वही साथ साथ आपकी कल्पनाशीलता को मजबूत करते हुए आपके लोगों से संबंध को भी बेहतर करता है और आप में सौम्यता लाता है, विचारों में प्रखरता आती है, विचार उलझे हुए नहीं होते, एकदम स्पष्ट रहते हैं। तो अगर आपके विचारों में उलझन है तो भी आप ये सब उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको सबसे मुख्य निर्णय ये लेना है कि चंद्रमा अशुभ है या शुभ है, या वो शुभ तो है पर कमज़ोर है, या वो बहुत प्रबल है। तो उन सभी स्थितियों के हिसाब से आपको अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता रहती है। आपको निर्णय करना है उसकी स्थिति का। यदि आप निर्णय करने में सक्षम रहे तो बिल्कुल बढ़िया रहता है। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो आपको उसके लिए भी चंद्रमा को मजबूत करने के लिए यहाँ शिव उपासना महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे लोग जो नशा बहुत करते हैं उनमें चंद्रमा आमतौर पर कमज़ोर देखा गया है, क्योंकि मन पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है और आत्मबल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल बहुत कमज़ोर है तो उनके मंगल को बलि करिए, यदि चंद्रमा बहुत कमज़ोर है तो चंद्रमा को बलि करिए। आप देखिएगा उनकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाने से वो नशा छोड़ने में आसान हो जाएंगे। हाँ, अगर वो नशा छोड़ना चाहते हैं तभी ये उपाय काम करेंगे। तो मुझे लगता है चंद्रमा के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।